हाय स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। माय नेम इज एवल सोनी। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द अकाउंटेंसी ऑफ द 12th क्लास। द फर्स्ट चैप्टर इन योर 12th क्लास, whether the RBSC board or the CBSC board, the name of first chapter is Introduction of Partnership, Sajedari ka Parichay. In some books, the name of this chapter is given Fundamentals of the Partnership. Both are same things, Sajedari ke Aadharbhoot Tatva ya Sajedari ka Parichay. First of all, what's the meaning of partnership? The main thing is partnership. What's the meaning of partnership? Sajedari kehte kise hai? Sajedari vyavasay ki avashyakta kyon hui? Sajedari kise kehte hai? Sajedar kya hota hai? Kam se kam sajedar kitne honge? Jyada se jyada sajedar kitne honge? Etc. etc. We will discuss all the points one by one. So, first point is, what's the need of a partnership? Need of partnership. Saajedari ki avashyakta kyon hui? Suppose A started a business. A ne vyapar aarambh kiya. 4-5 lakh रुपए लगाकर उसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ए, ए इज द सोल ट्रेडर। देयर इज अ लिमिटेड कैपिटल, इसके पास में कैपिटल लिमिटेड है। सपोज वो अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता है, उसका विस्तार करना चाहता है और उसे पूंजी की आवश्यकता है। इस कंडीशन के अंदर उसने बी से बात करी कि आई वॉन्ट टू एडमिट यू इन माई बिजनेस एज ए पार्टनर। उसने बी को एडमिशन दे दिया। बी एग्रीड टू इन्वेस्ट ए कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख। बी बोला मैं 10 लाख रुपए की कैपिटल लगा दूंगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सो देयर आर सो मेनी रीजंस फॉर द पार्टनरशिप बिजनेस। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट लैक ऑफ कैपिटल, पूंजी की कमी के कारण साझेदारी व्यवसाय की आवश्यकता हुई। सपोज ए का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, ए बीमार रहता है, अच्छी तरह से अपने बिजनेस को टैकल नहीं कर पा रहा है, तो उसे एक व्यक्ति की आवश्यकता हुई और उसने बी को एडमिशन दे दिया। ड्यू टू इलनेस, बीमारी की वजह से उसको एक आदमी की आवश्यकता हुई। ड्यू टू शॉर्ट मैनेजमेंट कैपेसिटी, पूरे बिजनेस को ये अकेला मैनेज नहीं कर पाता है और उसे एक आदमी की आवश्यकता महसूस हो रही है, तो उसने बी को पार्टनर बना दिया या सी को पार्टनर बना दिया। इसी तरह से और कोई कारण भी साझेदारी व्यापार के लिए हुआ। सपोज देयर इज अ लॉस इन द बिजनेस, टोटल लॉस विल बी बोर्न बाय द ए, टोटल रिस्क विल बी ओनली ए। तो टोटल रिस्क ए की है, प्रॉफिट होगा तो ए का होगा, लेकिन लॉस भी इसी को बेयर करना पड़ेगा। इसलिए उस लॉस को कम करने के लिए भी पार्टनर्स को एडमिशन दे सकते हैं। इन दिस वे टू फिलफिल द लिमिटेशंस ऑफ ए सोल ट्रेड, ए न्यू टाइप ऑफ बिजनेस वाज नीडेड व्हिच इज कॉल्ड पार्टनरशिप। साझेदारी व्यवसाय की आवश्यकता क्यों हुई, ये आपके समझ में आया होगा। नाउ वी विल डिस्कस the second point, general meaning of partnership. General meaning
ऑफ पार्टनरशिप। साझेदारी का अर्थ क्या होता है, साझेदारी किसे कहते हैं, इस चीज को अपन समझे। सिंपल लैंग्वेज के अंदर मैं यदि कहूं कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या दो से अधिक कंपनीज मिलकर बिजनेस करती है, बिजनेस इज मस्ट जनरली ए पार्टनरशिप बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ इज ऑल्सो कॉमन, बट दैट इज नॉट द पार्टनरशिप। व्हाट द रीजन, देयर इज नो एनी टाइप ऑफ बिजनेस। हस्बैंड और वाइफ के बीच के अंदर कोई बिजनेस नहीं है, बिजनेस इज मस्ट, अदरवाइज इट इज इट कांट बी कॉल्ड ए पार्टनरशिप, उसको पार्टनरशिप नहीं बोला जा सकता। पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट, पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट, साझेदारी एक समझौता है। नंबर फर्स्ट, साझेदारी क्या है, समझौता है। समझौता किसके बीच में है, बिटवीन और अमंग, बिटवीन और अमंग टू और मोर देन पर्संस, बिटवीन और अमंग टू और मोर देन टू पर्संस और द टू कंपनीज। व्हाट्स द पर्पस, पर्पस ऑफ द पार्टनरशिप इज टू अर्न द प्रॉफिट, टू अर्न द प्रॉफिट। साझेदारी व्यवसाय क्यों स्टार्ट किया जाता है, प्रॉफिट कमाने के लिए। वेदर इट इज द पार्टनरशिप और द सोल ट्रेड और द कंपनी बिजनेस, ऑल द बिजनेसेस आर स्टार्टेड टू अर्न द प्रॉफिट्स। कोई सा भी बिजनेस हो, प्रॉफिट कमाने के लिए कमाया जाता है। साझेदारी क्या हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ, किसके बीच में हुआ, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में हुआ। क्यों स्टार्ट किया जाता है, प्रॉफिट कमाने के लिए ये स्टार्ट किया जाता है। हु विल ऑपरेट द बिजनेस, इस बिजनेस को ऑपरेट कौन करेगा, ए वाज अ सोल ट्रेडर, ए एक एकाकी व्यापारी था, सारे बिजनेस को वो ऑपरेट करता था। तो इस बिजनेस को सभी साझेदारों की सहमति से कोई एक साझेदार या दो साझेदार या सबकी सहमति से सभी साझेदार इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ऑल द पॉइंट्स आर गिवन इन योर बुक्स, यू कैन सी इन द बुक्स। नेक्स्ट पॉइंट, बिजनेस को ऑपरेट कर लिया सबने, व्हाट विल बी द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट्स और द लॉसेस ऑफ द बिजनेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पार्टनर्स इन देयर प्री डिसाइडेड रेशियो, और द इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ऑल द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। यदि साझेदारी समझौता लिखित में नहीं है तो जो भी प्रॉफिट होगा और जो भी लॉस होगा वो सभी साझेदारों के बीच में बराबर बराबर बांटा जाएगा। तो इस तरह से वी कैन से व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू और मोर देन पर्संस और द कंपनीज टू अर्न ए प्रॉफिट एंड इन विच ऑल द प्रॉफिट्स और द लॉसेस ऑफ द ईयर आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पार्टनर्स इन देयर प्री डिसाइडेड रेशियो, सभी साझेदारों की सहमति से, ऑन द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, साझेदारों की आपसी सहमति आवश्यक है, मस्ट है। तो ये साझेदारी का एक सिंपल मीनिंग है, दो या दो से अधिक व्यक्ति इसको मिलकर स्टार्ट करते हैं। द थर्ड पॉइंट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ पार्टनर, एक साझेदार किसे कहते हैं, पार्टनर का मतलब क्या होता है, साझेदार किसे कहते हैं। एनी पर्सन और द एनी कंपनी हु इन्वॉल्व्स इन ए पार्टनरशिप बिजनेस इज कॉल्ड पार्टनर। सिंपल, एक व्यक्ति या कंपनी जो साझेदारी व्यापार के अंदर संलग्न है उसे साझेदार कहते हैं। इसके बाद में बात आती है पार्टनरशिप फर्म, व्हाट द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आई विल ट्राई टू मेक टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन पार्टनर एंड पार्टनरशिप फर्म। सपोज ए बी एंड सी, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1।
total profit is 6. Out of 6, the share of A is 3 rupees, 2 rupees of B and 1 rupee of the C. Or in other words, 3 by 6 of A, 2 by 6 of A and 1 by 6 of C. 3 plus 2, 5 plus 1, 6. 6 upon 6. 6 1ja. Total profit is assumed 1. In the case of fraction, it is not a percentage for your mind information. What's the meaning of partnership firm? Individually, A is the partner. Individually, B is the partner. And individually, C is the partner. But collectively, A, B and C is a partnership firm. Second example, in a class, every boy or the girl is a student. All are the students personally. But collectively, it is a class. सामूहिक रूप से वो क्लास हो गई और व्यक्तिगत रूप से क्या हो गया विद्यार्थी हो गया एक स्टूडेंट हो गया फौज के अंदर इंडिविजुअली फौजी हो गया और कलेक्टिवली क्या होगा आर्मी हो गई तो व्हाट द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म फर्म मींस ए कंपनी और द एंटिटी और द एंटरप्राइजेस और द संस्था जो कि साझेदारी व्यवसाय के अंदर संलग्न है which is involved in a partnership business is called partnership firm. Next point, minimum and maximum partners. Minimum and maximum partners. Minimum partners should be 2. दो साझेदार तो होने चाहिए. ज्यादा से ज्यादा कितने साझेदार हो सकते हैं? 50. 50 साझेदार हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द न्यू अमेंडमेंट इन द कंपनी एक्ट 1956 देयर मे बी 100 पार्टनर्स बट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ यू शुड कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड मैक्सिमम लिमिट ऑफ द पार्टनर्स इज 50 वी डिस्कस्ड नीड ऑफ पार्टनरशिप मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप साझेदारी किसे कहते हैं साझेदार किसे कहते हैं साझेदारी फर्म किसे कहते हैं कम से कम कितने साझेदार हो सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कितने साझेदार हो सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 और 7 मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट से स्टार्ट होती है पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन और अमंग द टू पार्टनर्स which depends on the mutual consent आपसी सहमति से किया गया agreement है इस point को ध्यान से समझेंगे agreement may be oral साझेदारी का जो agreement है oral भी हो सकता है जिसको हिंदी के अंदर बोलते हैं मौखिक और written में भी हो सकता है लिखित में भी हो सकता है अब होना कौन सा चाहिए पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज साइलेंट ये क्या है साइलेंट है पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है चॉइस इज योर चाहे आप लिखित में करो और चाहे आप मौखिक कर लो पहली बात नंबर दो बात रिटर्न अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट इंडियन कंपनी एक्ट 1956 एंड अमेंडेड 2013 संशोधित कंपनी अधिनियम 2013 संशोधन होते रहते हैं कोई सा भी एक्ट हो लेकिन भारतीय कंपनी अधिनियम क्या कहता है कि तुम्हारी जो साझेदारी है वो लिखित के अंदर होनी चाहिए क्यों so that the future disputes among the partners may be solved easily कोई भी यदि dispute हो जाता है तो उसका समाधान हो जाए A और B दो partner हैं इनके बीच में एक agreement होगा कि जो भी profit होगा वो equal distribute होगा लेकिन
ए मार्केटिंग का काम देखता है और बी दुकान के ऊपर बैठता है, बी ने ड्यूटी दी 12 घंटे, बी कह रहा है कि इक्वल प्रॉफिट नहीं बटेगा, मैं तो प्रॉफिट ज्यादा लूंगा या प्रॉफिट के अलावा मेरे को एक्स्ट्रा सैलरी दो, कोई भी डिमांड कर सकता है। यदि एग्रीमेंट लिखित के अंदर है, रिटन के अंदर है, तो इस चीज का जो फैसला है वो कोर्ट के अंदर आराम से एग्रीमेंट के थ्रू हो सकता है। यू हैव द रिटन एग्रीमेंट एंड अकॉर्डिंग टू योर एग्रीमेंट प्रॉफिट एंड लॉसेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन बोथ ऑफ यू इक्वली, दैट्स ऑल, समाधान हो गया। और यही यदि समझौता लिखित में नहीं होता तो आपस के अंदर इनके डिस्प्यूट हो सकता था, झगड़ा हो सकता था। तो कुल मिला के इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज साइलेंट एंड अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 1956 The partnership agreement should be, must be in the arbitration. Next point number 6, what the meaning of partnership deed? Partnership deed or the articles of the partnership. Articles of the partnership. हिंदी के अंदर इसको बोलते हैं साझेदारी संलेख, 11th के अंदर आपका पढ़ा हुआ है। Articles of partnership, articles company के भी होते हैं और पार्टनरशिप के भी होते हैं, बट द पॉपुलर नेम इज द पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख किसे कहते हैं। ए लीगल डॉक्यूमेंट, ए लीगल डॉक्यूमेंट हैविंग द सिग्नेचर्स नेम्स एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ ऑल द पार्टनर्स हैविंग द नेम ऑफ द फर्म एंड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ए पार्टनरशिप बिजनेस from the starting to the dissolution of the firm is mentioned is called partnership deed. साझेदारी संलेख किसे कहते हैं? एक ऐसा लिखित प्रपत्र, हिंदी के अंदर डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? प्रपत्र। एक ऐसा लिखित प्रपत्र जिसके अंदर साझेदारी फर्म का नाम, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, नंबर सेकेंड नेम्स ऑफ पार्टनर्स एंड एड्रेसेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स, कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर्स, किस साझेदार ने कितनी पूंजी लगाई, कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स, ए ने 5 लाख रुपए लगाए, बी ने 2 लाख रुपए लगाए, सी ने 3 लाख रुपए लगाए, whether the IOC interest on capital will be given or not, साझेदारों को उनके द्वारा लगाई गई पूंजी के ऊपर फर्म ब्याज देगी या नहीं देगी, और देगी तो कितना परसेंट देगी, what will be the rate of interest on drawings, यदि पार्टनर्स ने अपने पर्सनल यूज के लिए फर्म से पैसा ले लिया है या गुड्स का यूज कर लिया है तो उसके ऊपर फर्म कितना आईओडी लेगी या नहीं लेगी, व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल, नए साझेदार के प्रवेश पर या किसी साझेदार के रिटायरमेंट के ऊपर या डेथ के ऊपर गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होगा, वी विल डिस्कस लेटर ऑन, देयर इज अ सेपरेट चैप्टर एंड सो मेनी मेथड्स फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, साझेदार के रिटायरमेंट के ऊपर, डेथ के ऊपर कैसे होगा, एडमिशन के ऊपर, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, मींस ए लीगल डॉक्यूमेंट इन विच ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस फ्रॉम स्टार्टिंग द पार्टनरशिप टू द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म आर मेंशन्ड एंड नेसेसरी स्टैम्प्स अकॉर्डिंग टू द एक्ट आर स्टैम्प्ड, टिकट भी लगता है एग्रीमेंट के ऊपर, आपने देखा होगा स्टाम्प पेपर कलेक्ट्री के अंदर, तो ये जो पार्टनरशिप डीड है ये स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखी जाती है, और मान लो इफ द स्टाम्प पेपर इज नॉट अवेलेबल
we can stamp the strength on a simple paper. Totally, partnership deed is a legal document जिसके अंदर किसी साझेदारी व्यवसाय को शुरू करने से लेकर उसके समापन तक की समस्त नियम और शर्तें लिखित के अंदर होती है, उसे साझेदारी संलेख कहते हैं। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको साझेदारी क्या होती है सिंपल परिचय दिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन धीरे धीरे प्रैक्टिकल की ओर बढ़ेंगे। एज यू नो, अकाउंटेंसी इज थ्योरेटिकल कम प्रैक्टिकल एंड प्रैक्टिकल कम थ्योरेटिकल सब्जेक्ट एंड वी आर टू कवर बोथ द पोर्शंस। मोस्ट ऑफ द थ्योरेटिकल पोर्शन आई विल डिस्कस ऑन द ब्लैक बोर्ड। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में काम में आएगा वो मैं बोर्ड के ऊपर डिस्कस करूंगा। पूरी बुक अपन को लिखनी नहीं है, थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे। अकाउंटेंसी इज ए वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। दैट्स थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।